Nilos, Unisex Salon and Academy, opposite Badar Vidyalaya, Vishali Nagar, Ajmer. International Watches Collection by Minutes to Style, Martindale Bridge, Ajmer. Estran, Unisex Salon, Kacheri Road, Ajmer. Salon, jo aapko deta hai style. नमस्कार, मैं सुशील पाल और एमपीटीवी इंडिया पर आज आपको बेहद महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको बताने वाले हैं। ये जानकारी आप अपने दोस्तों को, मित्रों को, भाइयों को, बहनों को जितना बता सकते हैं बताएं, क्योंकि आज हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे राजस्थान के किसी भी कोने में आपको सिर्फ और सिर्फ आपके पास आपका मोबाइल होना चाहिए और आपको संपर्क करना है राजस्थान पुलिस से कैसे। कुछ एग्जाम्पल भी, कुछ उदाहरण भी मैं आपको बताऊंगा कि जब भी ऐसी किसी घटना में आप फंस जाएं तो उस वक्त कैसे सीधे एक सिपाही को, सीधे एक थाना अधिकारी को या फिर डायरेक्ट एसपी को या फिर कंट्रोल रूम, किसी भी जिले के कंट्रोल रूम से आप संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको बताने वाला हूँ, डेमो यहाँ पर दिखाऊँगा और इस कोशिश को, इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद एक बार कोशिश कर देखें अपने मोबाइल पर, अपने डेस्कटॉप पर, और वहां से नंबरों को तलाशें। हम आपको राजस्थान पुलिस के जितने भी जवान हैं, जितने भी अधिकारी हैं, उन सब के नंबर निकालना बता रहे हैं। सबसे पहले आपको जाना है, मेरे सहयोगी राजवीर कहूँगा कि वो डेस्कटॉप पर लेकर आए, सबसे पहले आपको गूगल खोलना है और गूगल के ऊपर आपको डालना है राजस्थान पुलिस, राजस्थान पुलिस कॉन्टैक्ट। आपको राजस्थान पुलिस कॉन्टैक्ट पर डालना है और इस वेबसाइट को गौर से आप देख लीजिए। जो वेबसाइट यहाँ पर खुलेगी, ये राजस्थान पुलिस की ऑफिशियली वेबसाइट है, police.rajasthan.gov.in। इस बात का खास तौर पर ध्यान रखें, आप किसी ऐसी वेबसाइट पे ना चले जाएं जो कि ऑथराइज ना हो। .gov.in आपको देखना है। इस वक्त हमने क्लिक किया है राजस्थान पुलिस, police.rajasthan.gov.in पे। इसके ऊपर आपको एक डायरेक्टरी का ऑप्शन दिखाई देगा, आपको इस डायरेक्टरी के ऊपर क्लिक करना है। इस डायरेक्टरी पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर पुलिस कॉन्टैक्ट डिटेल दिखाई देगी। पुलिस कॉन्टैक्ट डिटेल के अंदर आप पाएंगे कि यहाँ पर कई ऑप्शन दिखाई देंगे, जिसमें राजस्थान, ऑल सीपी रेंज आईजीपी, ऑल डीसीपीज, डिस्ट्रिक्ट एसपीज, पुलिस रेंज, पुलिस डिस्ट्रिक्ट, पुलिस सर्किल, पुलिस स्टेशन, पुलिस कंट्रोल रूम्स, हेल्पलाइन नंबर यहाँ पर दिखाई देंगे। इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पर दिखाई देती है, ब्रांच और ऑफिसेस, और इसके साथ ही ऑल आईपीएस के आपको यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस दिखाई देते हैं। कई लोगों को ये लगता है कि पुलिस से मिलना, पुलिस अधिकारियों से मिलना बेहद मुश्किल होता है, लेकिन यहाँ पर आप देखिए, भूपिंदर सिंह, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस राजस्थान, उनका ऑफिस का नंबर यहाँ पर दिखाई देता है, उनका फैक्स, उनका ईमेल एड्रेस और उनका सीयूजी नंबर यहाँ पर दिखाई देता है। इसके साथ ही अब शुरुआत हम अजमेर के जरिए, अजमेर से हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। जैसे कि सबसे पहले हम सर्च करते हैं पुलिस डिस्ट्रिक्ट, पुलिस डिस्ट्रिक्ट पे जब हम क्लिक करते हैं तो पुलिस डिस्ट्रिक्ट पे क्लिक करने के बाद अगला ऑप्शन आता है यहाँ पे पुलिस रेंज का। पुलिस रेंज पर क्लिक करके हमको अजमेर रेंज को सेलेक्ट करना होता है। सेलेक्ट करने के बाद पुलिस डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन आता है, यहाँ हमको अजमेर खोलना है। अजमेर पर हमने क्लिक किया, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट ब्रांच यहाँ पर आती है। डिस्ट्रिक्ट ब्रांच बहुत सारी हैं, एंटी ह्यूमन ट्रैफिक सेल्स है, क्राइम ब्रांच है, डीएसपी है, हाईवे पेट्रोलिंग है, पुलिस लाइन है, आरटीआई सेल है, ट्रैफिक है, पुलिस कंट्रोल रूम है, तमाम ऑप्शन आते हैं। वुमेन सेक्सुअल प्रिवेंशन सेल भी इसके अंदर होता है, तो जिस पे भी आप क्लिक करेंगे वो आएंगे। लेकिन हम यहाँ पर शो कॉन्टैक्ट पे जब क्लिक करते हैं तो पुलिस रेंज अजमेर और पुलिस डिस्ट्रिक्ट अजमेर के जितने भी जवान इस वक्त यहाँ पर तैनात होते हैं उनका डेटा यहाँ पर दिखाई देता है। वो डेटा जब शो कॉन्टैक्ट पे हम क्लिक करते हैं तो वो इस तरीके से दिखाई देता है। यानी कि देखिए, सबसे पहले जब अजमेर पे हमने क्लिक किया है तो सबसे पहले अजमेर के एसपी कुंवर राष्ट्रदीप सिंह का नाम आता है सबसे पहले, क्योंकि वो ही यहाँ पर इन सब के इंचार्ज होते हैं और उनका ऑफिस का नंबर यहाँ पर दिखाई देता है, रेजिडेंशियल नंबर दिखाई देता है, यानी कि उनके बंगले का जो नंबर है, फ़ोन नंबर वो भी यहाँ पर है, फैक्स, ईमेल एड्रेस, सीयूजी नंबर, उनका मोबाइल नंबर। यानी कि ये वेबसाइट कितनी महत्वपूर्ण है इसको आप इसी बात से अंदाज़ा लगा लीजिए कि आपको इस वेबसाइट के ज़रिए कहीं पर भी हो, आप अपने एसपी का, अपने थानाधिकारी का, अपने सीओस का, अपने किसी भी जवान का आप नंबर निकाल सकते हैं। मेरे सहयोगी राजवीर को मैं कहूँगा कि एक बार फिर वो इस जगह पर आए, आपको दिखाए। अब मैं आपको यहाँ पर पुलिस स्टेशन के हिसाब से नंबर दिखाऊंगा। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आपको तमाम अधिकारियों के नंबर दिखाई देंगे, एसपी का नंबर है, एडिशनल एसपी का नंबर है, जो सीओस हैं उनका है, सब इंस्पेक्टर जितने भी हैं
उनका यहाँ पर नंबर दिखाई देता है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर्स हैं उनका नंबर दिखाई देता है, हेड कॉन्स्टेबल्स जितने भी हैं उनका नंबर दिखाई देता है। आप नीचे जितने भी करते जाएंगे आपको उनका पर्सनल नंबर ना दिखाई दे लेकिन आपको सीयूजी नंबर तो यहाँ पर दिखाई देगा ही देगा, यानी कि दोनों में से एक नंबर आपको राजस्थान पुलिस की इस वेबसाइट पे दिखाई देगा ही देगा। चलिए अब मैं आपको पुलिस स्टेशन के माध्यम से बताने की कोशिश करता हूँ कि कैसे आप कहीं भी बैठे बैठे राजस्थान के किसी भी पुलिस स्टेशन का नंबर निकाल सकते हैं। पुलिस स्टेशन पर हमने क्लिक किया, उसके बाद हम पुलिस रेंज पर आए, अजमेर रेंज पर हमने क्लिक किया। इसके साथ ही क्लिक करने के बाद हम पुलिस डिस्ट्रिक्ट पाएंगे, अजमेर पे हमने क्लिक किया, उसके बाद यहाँ पे पुलिस सर्किल आता है। पुलिस सर्किल पे अगर हम क्लिक करते हैं तो अजमेर जितने भी अजमेर के अंदर बाकी के जो सर्किल आते हैं वो आता है, जिसमें अजमेर रूरल, ब्यावर, दरगाह, केकड़ी, किशनगढ़, किशनगढ़ रूरल, नसीराबाद, नॉर्थ, साउथ। तो अगर हम क्लिक करते हैं अजमेर नॉर्थ पर, तो अजमेर नॉर्थ पर क्लिक करने के बाद पुलिस स्टेशन के ऑप्शन पर हम जाते हैं। तो यहाँ पर अजमेर नॉर्थ के अंडर में जितने भी पुलिस स्टेशन आते हैं उन सब का डाटा यहाँ पर आता है, किशनगंज थाना, सिविल लाइन, कोतवाली और महिला पीएस। अगर हम किशनगंज थाने पर क्लिक करते हैं और उसके बाद शो कॉन्टैक्ट पर क्लिक करते हैं तो सबसे पहले आप देखिए जो SHOs वहाँ पर होते हैं उनका ऑफिस का नंबर, ईमेल एड्रेस, CUG नंबर, मोबाइल नंबर, नाम के साथ हमको यहाँ पर दिखाई देता है। किशनगंज थाने में जितने भी अधिकारी, जितने भी जवान यहाँ पर तैनात हैं उन सभी के कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल्स, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, SHOs सबके नंबर हमको यहाँ पर दिखाई देते हैं। ये तरीका हमने आपको बताया किस तरीके से आप नंबर निकाल सकते हैं। अब बेहद महत्वपूर्ण बात आपको उदाहरण के जरिए हम समझाने की कोशिश करते हैं कि ये खबर आपके लिए इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। मान लीजिए आप अजमेर से भरतपुर के लिए सफ़र कर रहे हैं और एक प्राइवेट बस के अंदर सफ़र कर रहे हैं। प्राइवेट बस में रात के समय आप जा रहे हैं और मालूम पड़ता है कि बस का जो ड्राइवर है वो नशे में है, या फिर बस का जो कंडक्टर है उसने कोई बदसुल्की आपके साथ की, किसी प्रकार की घटना आपको लगती है कि बस के अंदर होने वाली है और उसकी शिकायत अब आपको पुलिस को देनी है। कई मर्तबा ऐसी रिपोर्ट्स भी सामने आई है कि 100 नंबर जो होता है डायल पुलिस के लिए कंट्रोल रूम नंबर है वो कई बार लगा नहीं है। लेकिन जो हम आपको इस वक्त जो खबर आपको दिखा रहे हैं, इस खबर में आप देखेंगे कि आप जिस पुलिस स्टेशन का चाहें उस स्टेशन के सिपाही तक का नंबर यहाँ से निकाल सकते हैं। अब ऐसी स्थिति में आपको करना क्या है, मान लीजिए अजमेर से भरतपुर जाते वक्त निजी बस के अंदर जब प्राइवेट बस में आप सफ़र कर रहे हैं और जयपुर के बाद आपके साथ किसी इलाके के अंदर कोई घटना होती है, बस में होती है और उसकी शिकायत आपको देनी है, तो सबसे पहले आपको अपने गूगल मैप पर देखना है कि आपकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। उस लोकेशन के साथ में आपको ये देखना है कि आप किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर पहुंचने वाले हैं, यानी कि अगला डिस्ट्रिक्ट कौन सा आने वाला है, और उसी डिस्ट्रिक्ट के साथ में हम आपको जैसे बता देते हैं कि जैसे कि हम यहाँ पर जयपुर को सर्च मान लेते हैं तो पुलिस स्टेशन, मैं मेरे सहयोगी वापस कहूँगा कि इधर आए, यहाँ पर वापस हम जयपुर रेंज पे जाते हैं। जब इस तरह की घटना हो जाए जयपुर रेंज के बाद में हमने पुलिस डिस्ट्रिक्ट सर्च किया और हम सर्च करते हैं जयपुर रूरल सर्च कर लेते हैं। जयपुर रूरल सर्च करने के बाद में यहाँ पर देखिए आप यहाँ पर आता है दूदू, DYSP, SCST, गोविंदगढ़, जमवारमनगढ़, कोटपुतली, सांभर और शाहपुरा। हम जैसे कोटपुतली के ऊपर क्लिक करते हैं, ये पुलिस सर्किल कोटपुतली हो गया, पुलिस स्टेशन कोटपुतली, पनियाला, प्रागपुरा और सारुंद हो गया। अब हम कोटपुतली पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर शो कॉन्टैक्ट पे हम क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे सब इंस्पेक्टर का नंबर आता है। ऐसी स्थिति में आप तुरंत प्रभाव से यहाँ पर जो आपको सब इंस्पेक्टर का नंबर दिखाई दे रहा है या इस लिस्ट में से, इस पुलिस स्टेशन में से जिसका भी चाहें, सब इंस्पेक्टर का, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का, हेड कांस्टेबल का, कांस्टेबल का, जिससे चाहे उससे संपर्क कर सकते हैं, उसको फोन लगाकर ये कह सकते हैं कि इस कंपनी की निजी बस जिसका नंबर ये है, इस बस के अंदर इस तरीके की घटना हो रही है या फिर कंडक्टर से ऐसी शिकायत है, आप कह सकते हैं। तुरंत प्रभाव से पुलिस नाकेबंदी कर उसको रोक सकती है और आपकी जान बचा सकती है। आपके साथ हो सकता है कई ऐसे लोग हैं जो इस बात को नहीं जानते होंगे, मुझे लगता है ये बेहद महत्वपूर्ण है। राजस्थान में आप कहीं भी सफ़र कर रहे हो, किसी भी तरीके की दिक्कत आपको होती हो, चाहे वो बस में हो, चाहे वो अपनी खुद की कार में हो, किसी सरकारी व्हीकल में हो या किसी भी तरीके से, ये ट्रेन में भी हो सकता है, आप इस चीज़ को ट्रेन से भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ट्रेन से अप्लाई करते वक्त आपको RPF को शिकायत करनी पड़ेगी या GRP को शिकायत करनी पड़ेगी, उस केस में भी आपको यहाँ से हेल्प
मिल सकती है और आप किसी बड़े संकट से बच सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि एमपीटीवी इंडिया ने जो जानकारी आपको बताई है, ये जानकारी आपके, आपके मित्रों के, भाइयों बहनों के बहुत काम आएगी।